घर रह के आई है ना बिंदड़ी, जरा बता क्या क्या सेवा करवाई अपने माँ बापू से। मैं कैसे करवाती सेवा? सेवा तो छोटे करते हैं ना बड़ों की। हाँ, माँ बापू ने बहुत लाड किया मेरा। अरे जे लाड़ी तो है जिसने थारे को इतना उत्पाती बना रखा है। हाँ, एक तो बिना कुछ सिखाए थारे को सासरे भेज दिया थारी माँ ने, और जो दो चार लक्षण मैंने सिखाए बड़ी मुश्किल से, वो भी वहाँ जाके भूल गई होगी। हैं? फिर से माथा पच्ची करनी पड़ेगी थारे साथ। नहीं दादी साहब, मैं तो कुछ भी ना भूली। पता है मैंने माँ बापू को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया, बहुत खुश हुए दोनों, मुझे शाबाशी भी दी। अच्छा, अरे वाह छोरी, तूने तो मान रख लिया अपनी दादी सा का। अरे माँ बापू भी जान गए होंगे ना कि क्यों चिल्ला रही थी मैं उनकी छोरी पे। एक बात बता, मारी प्रशंसा की या नहीं की थारी माँ ने? नहीं तो ना करे, मैं कौन सा मरी जा रही हूँ अपनी प्रशंसा सुनने के लिए, वो भी थारी माँ के मुंह से। अरे भाई, अपना तो एक उसूल है, नेकी कर दरिया में डाल बस। अच्छा जाने दे, जे सब जे बता, एक खाना पका के खिलाया तो नेक मिला कि ना? मिला ना, 10 रुपए मिले। 10 रुपए बस? बड़े कंजूस मक्खी चूस हैं थारे माँ बापू भी, 10 रुपए पकड़ा के कन्नी काट ली। अरे कल्याणी जैसा दिल तो किसी के पास ना है, देख लिया सबको। सख्ती करूं जरूर, पर दूसरे की भलाई के लिए। हाँ, थारे पे सख्ती ना करती, सजा ना देती तो तू आज भी वही उज्जड़ की उज्जड़ रहती, समझी? दादी साहब, आपने एक बार बताया था खीर में आपने शक्कर की जगह नमक डाल दिया था, तो आपकी सासू माँ ने आपको दिन भर धूप में खड़ा किया, तो आपको तो बहुत गुस्सा आया होगा ना? गुस्सा? अरे जी मैं आया उसी वक्त बुढ़िया को राम राम बोल के भाग जाऊं अपनी अम्मा के पास। चो छोरी, थारे को क्या मतलब है? गुस्सा आए के ना आए? कुछ नहीं दादी साहब, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। आपको नहीं बता ना तो मत बताओ। हाथ क्यों रोक लिया छोरी? दादी साहब, मैं आई हूँ। ये छोरी कैसे जी, बाल बांध के भी नहीं गई। बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा छोरी को, चिड़िया का घोंसला बना के छोड़ गई। गूंगा हो गया है कि ऐसे ऐसे इशारे क्या कर रहा था, बोल नहीं सकता? दादी साहब सुन लेती तो। ऐसे क्या बात है जो दादी साहब नहीं सुन सकती? तेरे काम की बात है। क्या? मैं स्कूल जा रहा हूँ, तुझे अपने साथ लेकर। क्या तो सच्ची में मुझे अपने साथ स्कूल ले जाएगा? धीरे बोल। अब बता, अगर ये बात दाई साहब सुन लेती तो मुझे भी कोठी में ना बंद कर देती। हाँ वो तो है। तेरा मन है कि नहीं? है ना, मैं चलूंगी, बड़ा मजा आएगा स्कूल में। तू जल्दी से तैयार हो जा, और सुन ज्यादा शोर मत करना। देखा, देर हो गई, प्रातः भी खत्म हो गई। अच्छा ये बता, तेरी कक्षा कौन सी है? वो पहला दरवाजा देख रही है वही है, लेकिन आज गणित की कक्षा बाहर होगी। पता है मेरी तो सारी कक्षा बाहर होती थी। लो मास्टर जी भी आ गए, तू यही रहे, मैं जाता हूँ। मैं भी चलूंगी। तू नहीं आ सकती। क्यों? तू बींदी है ना।
आज हम सबसे पहले 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे और अच्छी तरह याद करना है आपको। बोलो 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 ती 45। सब लोग 14 का पहाड़ा याद करके आए? जी। राजू, 14 का पहाड़ा सुनाओ। 14 का 14 14 28 34 56 54 84 95। कौन ऐसा? ये जर्जी आनंदी हंसी। आनंदी क्यों हंसी? टीचर जी गलत पढ़ रहा है, 14 तिया 42 होते हैं, ये 56 बोल रहा है। बिल्कुल ठीक आनंदी, बिल्कुल ठीक कह रही है। टीचर जी मैंने तो 15 का भी याद कर लिया। 15 का पहाड़ा सीख लिया? 15 का पहाड़ा लिख कर दिखाओ। जी टीचर जी। 15 एकम 15 15 दूनी 30 75 75 75 छगड़ी न्यू 9 पैंट्यू 9 पैंट्यू दबा के 150 शाबाश। तू तो मेरे स्कूल का हीरा है, चल जाके बैठ। सबको समझ में आया 15 का पहाड़ा? जी। एक बार फिर से पढ़ेंगे। 15 एकम 15 15 दूनी 30 आराम से भागो मत। आनंदी तुझे याद है तूने कहा था कि तुझे पढ़ाई का बहुत शौक है? ये ले, मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ। मेरे लिए? हाँ। इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है, बड़े बड़े महान लोगों ने अपने बचपन में क्या किया इसमें सब लिखा है। इसे संभाल के रखना और पढ़ने के बाद मुझे लौटा देना, ठीक? हाँ। देख आने इस बार छमाही में अगर गणित में तो 100 में से 100 नंबर लेकर आई ना, तो तुझे एक और किताब दूंगी। 15 चौका 60 15 पंजे 75 15 पंचा 75 15 छक्का 90 15 छक्का 90 15 सत्ते 105 15 सत्ते 105 15 अठे 120 15 अठे 120 15 निम्मा 135 15 निम्मा 135 15 दान 150 ध्यान दो, ये वही सवाल है जो कल सिखाया था। अब देखता हूं किसको याद है और कौन भूल गया। रामू के पास 9 गाय हैं। एक गाय प्रतिदिन 6 लीटर दूध देती है और रामू ने उस दूध में 12 लीटर दूध और जोड़ दिया। उस कुल दूध में से रामू ने अपने भाई शामू को 3% दूध दिया। तो रामू ने अपने भाई शामू को कुल कितना दूध दिया? अब ये सवाल आप लोग जल्दी से जल्दी हल करो। सर खुजाने की क्या बात है रे भोला, कल ही तो समझाया था ना, तब किसी ने कुछ नहीं पूछा, बस
बैल की तरह सर हिला दिया। अब वही सवाल हल करने में इतना समय लगा रहे हो, चलो जल्दी करो। अगर टीचर जी ने आनंदी को देख लिया और दाईसा को बता दिया कि वो मेरे साथ स्कूल गई थी तो दाईसा मुझे कच्चा चबा जाएंगे। हाँ ठीक ही तो है, 9 × 54 और 54 में 12 जोड़ो तो 66 और 66 का 3% 1.08 एकदम ठीक। ये सवाल तूने हल किया है, तू तो बहुत होशियार है रे छोरी, तुझे पहले कभी नहीं देखा। कौन सी कक्षा में पढ़ती है? मैं अब नहीं पढ़ती, पहले पढ़ती थी। तो यहाँ कैसे आ गई? यह मेरी बीनी है मास्टर जी। अच्छा तो इधर आ, कक्षा में हमेशा अव्वल आती होगी है ना? जी मास्टर जी। तेरी बिंदनी बहुत ज्ञानी है जगदीश, इसका दिमाग बहुत तेज है। अब समझ में आया तेरा होमवर्क टाइम पर कैसे हो जाता है, वो भी बिना किसी गलती के। पहले ऐसा नहीं होता था ना? अच्छा होता, तेरी बिंदनी भी आगे बढ़ पाती। कितनी बुद्धिमान है छोरी, पढ़ाई करके जरूर नाम कमाती। चलो चलो आ जाओ। मास्टर जी बड़े खुश हो गए, बोल तुझे क्या चाहिए, मैं लाके दूंगा। कुछ नहीं। मुंह क्यों फुला रही है, बोल ना क्या चाहिए। मैं बताऊंगी तो तू लेके देगा, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। गरम गरम जलेबी यहाँ मिलेगी? हाँ, स्कूल के पीछे जो बाजार है ना, उसमें खलवाई की दुकान है, बहुत अच्छी जलेबी बनाता है वो। स्कूल की छुट्टी हो जाने दे, ला दूंगा। क्यूरे जग गया, बिंदड़ी के साथ ज्यादा ही देर सपाटा कर रहा है। अभी तो स्कूल लेकर आया, कक्षा में कब लेकर आएगा? मैं हर जगह इसे अपने साथ ले जाऊंगा, जलेबी खिलाऊंगा, गुलाब जामुन खिलाऊंगा, जो इसका मन करे सब। चलो बच्चों जल्दी आओ। मैं अभी आता हूँ। क्यों गया? मेरा बस्ता लेकर अंदर जा। क्यों? मैं बाहर जा रहा हूँ खेलने। और दादी सा ने पूछ लिया कि तू बस्ता लेकर कहाँ जा रही थी, तो मैं क्या बोलूँ? चुप के जाना। और जो देख लिया तो? कुछ भी कह, लेकिन ये मत कहना कि मेरे साथ स्कूल गई थी। नहीं मैं झूठ क्यों बोलूँ? ठीक है सच बता दे, फिर जान दिया ना दादी सा क्या करेगी। हाँ पता है, नहीं बोलूंगी। फिर जा जल्दी से, मैं भी जा रहा जमुना चीची की गोद भराई। तो फिर बच्चा कहाँ है?
जमुना चीची की गोद भराई? तो फिर बच्चा कहाँ है? बैठ मेरे पास। तुझे याद आया तेरी पहली वाली ताई जी के बारे में तेरे माँ बाप क्या कह रहे थे? थोड़ा थोड़ा। अस्पताल में डॉक्टर साहब कह रहे थे कोई ऑपरेशन होगा और दादी से एकदम से गुस्सा हो गई। बस इतना ही याद आया। पर आप ये सब क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे। आपको पता है आज जगदीश ने मुझे अपने साथ स्कूल ले गया था। अंदर नहीं, मैं तो बाहर ही खड़ी थी। फिर ना मास्टर जी ने बाहर आके कहा कि तेरी बीनी तो बड़ी ज्ञानी है जगदीशिया। आनंदी, ये तेरी पहली वाली ताई जी की गोद भराई की फोटो है ना? अरे हाँ, ये तो मैंने देखी ही नहीं। ये देखो मैं और मेरे माँ बापू। खूब मजा आया था उस दिन। खूब नाच गाना हो रहा था। तरह तरह के पकवान बने थे। कितनी सुंदर सजावट थी उस घर की। पता है मैं और मेरे माँ बापू पहली बार आए थे मेरे सासरे में। हमें तो पता ही नहीं था कि जगदीशिया का घर इतना बड़ा होगा। और ये देखो जगदीशिया कैसे बंदर की तरह मुँह बना के खड़ा है। तब तो वो बहुत बुरा था, एक नंबर का लड़ाकू था। मेरी चोटी भी खींची उसने। पर अब वो थोड़ा सुधर गया है। ये देखो सासुमा और सुगना जीजी, कितनी प्यारी लग रही है ना? और वो बच्चा कहाँ है? कौन सा बच्चा? तेरी पहली वाली ताई जी की गोद भराई थी ना, तो बाद में बच्चा तो हुआ होगा ना? चक्कर आया और उन्हें अस्पताल लेकर गए थे। और फिर खबर आई कि पुरानी वाली ताई जी भगवान जी के घर चली गई। लो भाभी तुम इधर बैठी हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ आई। क्या बातें कर रही हो ताईसा से? ताई जी पूछ रही है कि तुम्हारी जमुना ताई जी को बच्चा होने वाला था ना, वो बच्चा कहाँ है? मैंने आपसे कहा था ना ताईसा, मैं आपको उसके बारे में कुछ नहीं बता सकती, नहीं तो माँ मुझे बहुत डांटेंगी और दादी सा वो तो मेरी जान ही ले लेंगी। सुगना, तुम नहीं बताना चाहती, कोई बात नहीं, मैं जोर नहीं दूंगी, लेकिन कोई तो होगा ना जिसे ये सब कुछ पता हो, जो मेरे सवालों का जवाब दे सके। मुझे कुछ नहीं पता ताईसा, सच्ची। जमुना जीजी की मौत से जुड़ा हुआ यह सच जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है सुगना। देवी माँ की सो, मैं तुझ पे आज नहीं आने दूंगी। वो कौन है जिसे पूरा सच पता है? माफ करना हुक्म। मीठी ताई,
बाल विवाह और बेमेल विवाह से उपजा असंतोष नारी मन में कटुता को जन्म देता है।